अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरी डायरी। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान तालिबान क़ियादत से मिलने अफ़गानिस्तान क्यों गए और पाकिस्तान के हवाले से अमन माहदात में क्या क्या दे पाया। मौलाना फजल रहमान ने दौरे काबुल से कबल कहा था कि वो पाकिस्तानी हुकूमत का पैगाम तालिबान क़ियादत तक पहुँचाना चाहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की अफगानिस्तान में हुक्मरान तालिबान के रहनुमा हैबतुल्ला अखुंजादा से मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान 7 जनवरी को अफगानिस्तान के दौरे पर रवाना हुए थे, जिसके दौरान काबुल के बाद वो कंदहार गए थे। बीबीसी पश्तो के मुताबिक कंदहार में तालिबान हुकूमत के एक अहम जरिए ने तस्दीक की है कि तालिबान के सरबराह ने मौलाना फजल रहमान से कंदहार में मुलाकात की। दोस्तों, मुलाकात में किन मामलात पर गुफ्तगू हुई, इस हवाले से दोनों तरफ से कोई तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने दौरे काबुल से कबल कहा था कि वो पाकिस्तानी हुकूमत का पैगाम तालिबान क़ियादत तक पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के एक सरकर्दा न्यूज चैनल तुलू न्यूज ने भी नामालूम जराए के हवाले से इस मुलाकात की तस्दीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक एक जरिए ने तुलू न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान की जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने बुध की सुबह कंदहार में अमारात इस्लामिया के रहनुमा मौलाना हैबतुल्ला अखुंजादा से मुलाकात की। तालिबान हुकूमत की तर्जुमान जबीहुल्ला मुजाहिद ने, जो काफ़ी अरसे से कंदहार में हैं, कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। नाजरीन ग्रामी, मौलाना फजल रहमान इतवार को एक वफद के हमराह काबुल पहुंचे थे, जहां सदारती महल में मौलाना फजल रहमान और उनके वफद ने तालिबान के वजीर आजम से भी मुलाकात की थी। मौलाना फजल रहमान वो दूसरे गैर मुल्की रहनुमा हैं जिन्होंने अब तक मंजर आम पर न आने वाले तालिबान रहनुमा से मुलाकात की है। बलख में तालिबान हुकूमत के एक अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि इस मामलात की तैयारियां बलख के गवर्नर यूसुफ वफा की कोशिशों से की गई थी। यूसुफ वफा के बारे में कहा जाता है कि वो तालिबान की आला क़ियादत के करीबी शख्स हैं। बलख से पहले वो कंदहार के गवर्नर थे। इस जरिए के मुताबिक इस मुलाकात में मौलाना के अलावा पाकिस्तानी वफद के रुकन मौलवी इदरीस ने भी शिरकत की। तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान की जमीयत उलमा इस्लाम फे पार्टी ने इस मुलाकात के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर कुछ नहीं कहा। इस मुलाकात से कबल मौलाना फजल रहमान ने काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा भी किया। उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को अहम करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि दोनों पड़ोसियों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात खित्ते में इस्तेहकाम कायम कर सकते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान और उनके वफद ने तालिबान के वजीर आजम मुला मोहम्मद हसन अखुंद से 2 रोज़ कबल मुलाकात की थी और कहा था कि उनके दौरे अफगानिस्तान का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करना है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि वो यहाँ नए ख्वाहिशात का पैगाम लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस सफर के मुस्बत नतीज बरामद होंगे। जबीउल्ला मुजाहिद ने यह भी कहा कि तालिबान के वजीर आजम मुला मोहम्मद हसन अखुंद ने पाकिस्तानी वफद को बताया कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है और ना ही वो किसी को अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। पाकिस्तानी हुकाम की सबसे बड़ी तशवीश ये है कि पाकिस्तानी तालिबान के अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने हैं और उनके मुताबिक वो वहां से पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं, लेकिन तालिबान हुकाम हमेशा ऐसे दावों को बेबुनियाद करार देते हैं और इसरार करते हैं कि पाकिस्तान को अपने मसाइल को अंदरूनी सतह पर ही हल करना होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।